जुलाई 2019, ये वो तारीख है जिस दिन मोदी सरकार राज 2 का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट यानी सरकार के काम करने का प्लान, ब्यौरा और इन्वेस्टमेंट। जब बात बजट की हो रही हो तो सबसे पहले जहन में एक ही तबके का ख्याल आता है और वो है गरीब। तभी तो आज न्यूज़ फॉर इंडिया ने गरीबों तक पहुंचकर असल हकीकत जानने के लिए पड़ताल की, असल तस्वीर आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। नमस्ते। प्रणाम। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष सिन्हा। और मेरे साथ है प्रेरणा कौशल। बजट चकल्लस करने निकले हम लोग। बजट चकल्लस यानी बजट में क्या कुछ होगा खास। तो प्रेरणा, क्या लगता है आपको आज हम लोग को किस मुद्दे पर जमीनी पड़ताल करनी चाहिए, क्या लगता है? 5 जुलाई को बजट पेश होने वाला है तो मुझे लगता है कि गरीबों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार आखिर बजट में गरीबों के लिए क्या कुछ पेश करने वाली है। तो चलिए हम जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा, क्या चाल? ठीक है हालचाल। कहाँ से हैं आप? भागलपुर जिला। आइए जरा बैठते हैं, बात करते हैं कुछ। बजट पर चकल्लस करने आए हम लोग। ठीक। तो हमारे साथ चाचा, आपका नाम क्या है? मंटू यादव। मंटू भैया, मंटू जी हमारे साथ हैं और हम लोग इस समय बजट पर चकल्लस करने आए हैं। सबसे पहले रिक्शे वाले के पास, क्योंकि ये प्रवासी हैं, ये पलायन करके बिहार से दिल्ली में आए हैं और रिक्शा चला करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो चाचा, बजट पेश होने वाला है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को मोदी सरकार, जो कि दूसरी बार बनी है, वो बजट लेके आएगी। गरीबों के लिए क्या कुछ खास होगा, आप जैसे लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। जमीनी लेवल की पड़ताल करने हम लोग आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ खास होगा बजट में आपके लिए? मेरे लिए तो कुछ खास नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। गरीबों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। मतलब बजट में आपको कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो भैया, चाचा को कुछ नहीं मिलता, चाचा तो नाराज लग रहे हैं। मोदी जी की सरकार बनी है, फिर से बजट पेश होने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है कुछ खास मिलेगा आपको, तोहफा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ भी नाराजगी, यहाँ भी नाराजगी। प्रेरणा, आप भी बात करिए जरा इन लोगों। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि 5 जुलाई को जो बजट आने वाला है उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, सरकार आप लोगों के लिए कुछ करेगी? हाँ, ये तो हम लोग सुनते रहते हैं कि सरकार बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के पास कुछ आया नहीं। और आगे की बात तो जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ करने वाले हैं और कर रहे हैं, अभी कोई कहीं कहीं सुनाई दे रही है। 5 जुलाई को बजट आने वाला है तो आप लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? हाँ, ये सूचना मिली है हम लोग का, जहाँ तहाँ बातों में मिलती है बात कि हाँ कुछ मिलने वाला है। और आगे तो मोदी सरकार क्या कर रहे हैं वो हवा में है अभी बात। आपको लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है उसमें वो गरीबों पर ध्यान देगी? हाँ हाँ, ये पक्का है कि गरीबों पर ध्यान देने वाले हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि जो 5 जुलाई को बजट पेश होने वाला है उसमें गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा? हमको तो कुछ नहीं बुझाता है, हमको गरीबों को सिवा कुछ नहीं करने वाला है। सरकार ऐसे डेली कहता है, करता कुछ नहीं है। हमको कुछ नहीं बुझाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या है? अपेक्षा यही है कि गरीबों पर ध्यान दे, लेकिन सरकार ये कुछ नहीं कर रही, खाली अमीरों पर ध्यान दे रहा है। गरीब, इस नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का खेल तो सालों से चलता आ रहा है। आगामी बजट में गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी से क्या क्या उम्मीदें हैं, इन सब के लिए सबसे पहले हमारी टीम रिक्शा वालों, ऑटो वालों और ई रिक्शा वालों के पास पहुंची। चलिए, ई रिक्शा वाले भैया भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि इस बार सरकार कुछ गरीबों के लिए करने वाली है? नहीं, नहीं लग रहा है अभी तो। दायरा ने सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, इतने सारे जनधन के खाते खुलवाए हैं, अभी तक में उसमें एक चवन्नी नहीं आया है किसी का भी। सरकार योजनाएं बनाती है, उनका लाभ आप तक पहुंच पाता है? अभी तक हम लोगों को तो नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। नाराज हैं आप? नाराज तो है ही है, लेकिन क्या करें। अभी बहुत कम टाइम बाकी है, 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमको मिलेगा थोड़े, वो ऊपर से खा जाता है, जो आता है हम लोगों को नहीं मिलता है, नीचे वाला आदमी को मिलता नहीं, नहीं मिलता है। तो नाराज हैं आप? नाराज है। तो चलते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे ऐसे जीवन जी रहे हैं, सरकार इनके लिए सोच रही है या नहीं सोच रही है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या पीड़ा है। चाचा, सरकार 5 तारीख को बजट पेश करेगी, बजट पेश करेगी, वो बताएगी कि क्या वो विकास करेगी, उसका पूरा प्लान तैयार करेगी। क्या आपको लगता है कि उसमें आपको कुछ मिलेगा? मेरे सबको तो नहीं लग रहा है कुछ मिलेगा।
तो मोदी जी की सरकार दोबारा आई है, आपको कुछ उम्मीद है कि मतलब कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर हवा हवाई बातें होंगी? ये हवाई में बात चल रहा है, हम सबके कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, रात दिन यहीं पे आप रहते हैं? हाँ, ऐसे समय काट रहा हूँ। मतलब जिंदगी आपकी, इनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। यहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको हम दिखा सकते हैं आपको कैमरे के जरिए। हम अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे और भी लोग हैं, देखिए किस तरह से उन लोगों की जिंदगी चल रही है। गरीबी से, गरीबी की मार और दंश इनको इस तरीके को जीने को मजबूर कर दिया है। आइए आगे भी लोगों को दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका ऐसा हाल आखिर क्यों है। आइए आइए, एक ऑटो वाले भैया हैं, चलिए उनसे ही बात कर ली जाए। अच्छा भैया, 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो आपकी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैम जो भी है वो ठीक ही है, सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं वैसे, अब ऐसे करने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब भैया आपको क्या लगता है, मतलब आप ऑटो चलाते हैं, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं वैसे ये बताइए? मुझे लगभग साल भर हो गया है। एक साल भर से ऑटो चला रहे हैं, सरकार बनी दोबारा मोदी सरकार, आपको क्या लगता है कि मोदी जी वापसी किए हैं इतने प्रचंड बहुमत से, ऑटो वालों को कुछ बजट में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? वो तो ईमानदारी से कमाएंगे तो मिलेगा। मतलब बजट में क्या सरकार देगी आपको कुछ? सरकार तो क्या देगी, मेहनत करेंगे जभी तो मिलेगा हमें। मतलब भैया का तो सीधे मानना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी पूंजी अच्छी खासी होगी, सरकार क्या करेगी, हम अगर ईमानदारी से कमाएंगे तो अपना खर्चा चलाएंगे, लॉजिक है भाई। एक ई रिक्शा वाले भैया से बात करते हैं, 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? बहुत उम्मीद है, मिलेगा सरकार से। गरीबों के हित की बात हमेशा की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते चले जाते हैं, तो इस बार जो बजट पेश किया जाएगा तो इस बार आप लोगों की क्या कुछ उम्मीदें होंगी सरकार से? जो करेंगे हम तो वही, कब हमारी तो कोई उम्मीद है नहीं। उम्मीद नहीं है, नाराज हैं आप? नहीं, नाराज क्यों है। चलिए, इन सर को लगता है कि ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ और रिक्शा वाले से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो मोदी सरकार 5 जुलाई को अपना बजट पेश करने वाली है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो हमें बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत उम्मीद है हम लोगों के लिए कुछ करेंगे वो, सोचेंगे। हमेशा गरीब तबके के बारे में बातें की जाती हैं लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ बातें की जाती हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं होता? नहीं, काम हो रहा है, काम किया है मोदी सरकार ने, काम किया है। बजट चकल्लस का सफर आगे बढ़ाते हुए न्यूज वन इंडिया की टीम ठेले वालों के पास पहुंची, हमने उनसे बात की। तो आयुष, हमने रिक्शा वाले भैया से तो बात कर ली है, यहाँ पर मुझे कुछ और रेहड़ी पटरी वाले नजर आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। भैया आपको पता है 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? मोदी सरकार को आप किस तौर पे देखते हैं? मोदी जी दोबारा सरकार ने काम किया है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, काम हुआ है, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, काम हो रहा है, अच्छा है। कचड़े वाले आते हैं और टाइम से ले जाते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं। आप लोग के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं, गरीबों के लिए? हाँ हो रहा है, हम लोग काम बस बस हो रहा है। मतलब आप पहले से आपका जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं? हाँ हो रहा है। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी सरकार? बहुत सारी उम्मीदें हैं, कुछ न कुछ प्रदेश के लिए करेंगे, सही करेंगे। जो कुछ भी वो कर रहे हैं आप उससे खुश हैं? हाँ ठीक ही है, सही है, काम सही कर रहे हैं, देश के लिए तो कुछ कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर के मोदी सरकार काम कर रही है, योजनाओं का लाभ ठीक तरह से शायद नहीं पहुंच पा रहा है, तभी तो भैया कह रहे हैं कि मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके पास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। चलते हैं हम लोग आगे बजट चकल्लस करने। ये किसी से छुपा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय वालों से एक अटूट नाता जुड़ा हुआ है। प्रेरणा, बहुत लोग कहते हैं मोदी जी चाय वाला, मोदी चाय वाला, चाय पियोगी क्या? बिल्कुल चाय पियेंगे और बजट पर चकल्लस भी करेंगे। तो चाय वालों के साथ है, चाय वाले के साथ है। चाय वाले भैया एक चाय पिलाना जरा, पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? पिलाएंगे भैया, पिलाओ यार, जरूर पिलाओ। ठीक है, चाय पीते पीते थोड़ी सी डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, बजट पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप चाय हमें पिला दीजिए, साथ साथ बात भी करते रहेंगे हम। बजट में आप लोग के लिए कुछ होगा या नहीं होगा, मोदी जी से उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं, क्या मिलेगा आपको? अब देखो क्या मिलेगा भाई, मतलब अभी तो कुछ मिला है आपको? अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है क्या? भैया आपको क्या लगता है, मोदी जी ने कुछ आपको दिया है अभी तक? 5 तारीख को बजट पेश होगा, बजट में क्या कुछ खास रहेगा आपके लिए, आपको तोहफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए जरा।
मिलेगा। आप चाय बेचते हैं, चाय चाय वाले का मोदी जी का बड़ा कनेक्शन है, माना जाता है कि मोदी जी भी चाय वाले थे और आप भी चाय वाले। गरीबी के लिए, गरीब तबके के लिए मोदी जी कुछ करेंगे? करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे हमारे सबके लिए, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बहुत कुछ करते हैं, बहुत चीजें करेंगे। वैसे अपनी पहली पारी में मोदी सरकार ने गरीबी पर चोट करने के लिए प्लान और योजनाएं बनाई थी और चल भी रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, किसानों को सीधे रकम जैसी मोदी सरकार की योजनाओं ने गरीबों को काफी प्रभावित किया है और अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ा सकती है। बजट में क्या कुछ खास होगा, मोदी जी क्या कुछ इन जैसे लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है सुनने में आया यहाँ पे, ठेला लगाने में बड़ी समस्या होती है। भैया आपको क्या लगता है कि हर जगह क्या करा जाए, समस्या होती है क्या? मोदी जी से उम्मीदें हैं कि नहीं? कुछ उम्मीदें तो बहुत सारी है, इसीलिए तो उनको जितवाया गया सर। मतलब मोदी जी को जितवाया गया तो बजट आने वाला है 5 तारीख को, 5 तारीख को क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या हो आपके लिए? हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करे, गरीब जनता के लिए कुछ ना कुछ, विकास के लिए कुछ ध्यान दे हमारे लोगों के लिए, और क्या। भैया बात करने के लिए कह रहे हैं, भैया से बात करते हैं। चलिए विकास की बात हो रही है तो आपको लगता है मोदी सरकार विकास पर कुछ काम करेगी? उम्मीद है पूरा कि मोदी सरकार पार्ट टू में खरा उतरेंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि गरीब तबके के जो लोग हैं ना, खोखा पटरी रेडी वाले, उनको पुलिस तंग ना करे और कोई जो के अधिकारी है जो तंग ना करे। बड़ा मसला है उनकी, अक्सर रेडी पटरी हटा दी जाती है और पैसा ले लिया जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब तबके को नजरअंदाज किया जाता है? देखो मोदी जी तो सबको लेके चल रहे हैं। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी सरकार? उम्मीदें यही रहेंगी कि नीचे के जो लोग हैं ना, सबके लिए उसके लिए अपने हिसाब से पेश करें। भैया क्या हालचाल है? बढ़िया भैया। भैया आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है? काम धाम तो है ही नहीं। तो मतलब बजट में क्या उम्मीद है तब आपको? बजट आने वाला है, ये लो। भैया थोड़ा बिजी है लेकिन पूछेंगे इनसे। भैया बजट आने वाला है 5 तारीख को, मोदी सरकार की नई पारी जो शुरू हुई है वो बजट पेश करेगी, क्या लगता है आपको बजट में कुछ खास होगा? तो मोदी सरकार को ही वोट दिया है, मोदी सरकार को वोट दिया तो उम्मीद है कुछ आपको? उम्मीद है कुछ आपको? होनी चाहिए जरूर उम्मीद है, इतना बहुत कुछ किया हमने, कर ही रहे। भैया भैया अभी बड़ा छान रहा है तो ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो भैया नाराज हो जाएंगे हमसे, हमको लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी पीपल्स हैं, और भी जनता है, लोग हैं, परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबसे बातचीत करें। प्रेरणा आइए हमारे साथ। मतलब ये माहौल आप देख रही हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लोग दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन भैया की बात सुना ना आपने, लगता है मोदी सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, कुछ तो किया है, थोड़ा बहुत तो है। तो आप नाराज हैं? नहीं, क्यों नाराज क्यों होंगे? तो अगर उम्मीदों की बात की जाए तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी सरकार से? सरकार की तरफ से मेरी थोड़े बहुत उम्मीद रहेगी इस विषय पे कि मोदी सरकार जो है आजकल थोड़ा बहुत ठीक चल रही है। ठीक है, अगर योजनाओं की बात की, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक भैया दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी, बाबा वेज बिरयानी। बाबा वेज बिरयानी वाले भैया हमारे साथ हैं इस समय, ठेले पे उन्होंने अपनी बिरयानी लगाई है, बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 जुलाई को मोदी सरकार की दूसरी पारी में पहला बजट पेश होने वाला है। भैया बजट में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा भाई, बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से बहुत उम्मीद है और सरकार काम भी अच्छा कर रही है। तो आपके लिए कुछ काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है सर। योजनाओं का लाभ पहुंचता है कि नहीं? बिल्कुल, योजनाओं का लाभ भी पहुंचा, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और गरीबों के लिए क्या होता है? गरीबों के लिए यही है कि जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गरीबों को जो सताना है वो बंद हो गया है बहुत। यहाँ पे सुनने में अभी भैया एक बता दे कि यहाँ पे बड़ी समस्या होती है, लोग आते हैं पैसे लेते हैं, मतलब ऊपर के अधिकारी टाइप के लोग, और उसके बाद फिर दुकान भी हटवा देते हैं। हाँ, दुकान भी हटवा देते हैं, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है जब से बहुत कुछ कम हुआ है। भैया का कहना है कि भ्रष्टाचार कम होने से गरीब लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। प्रेरणा क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार कम होने का असर गरीब लोगों के जिंदगी पर? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मसला है, जब तक भ्रष्टाचार इस समाज से खत्म नहीं हो जाता तब तक आगे मूव फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। सोनू पोहा सेंटर, इंदौर का मशहूर पोहा। भाई पोहा तो मुझे भी बहुत पसंद है, भैया मेरे लिए एक पोहा जरूर बनाना, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि मोदी सरकार से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? पहले आप बात कर ले फिर पोहा बनाएंगे। बढ़िया है मोदी सरकार, बढ़िया है। तो उम्मीदों की बात की जाए तो आपकी कुछ उम्मीदें भी तो होंगी ना? बता दीजिए ना, शर्माइएगा बाद में, पहले ही बता दीजिए। बढ़िया है।
बजट में गरीबों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिया जाएगा, कुछ तोहफा मिलेगा गरीब को? मिल जाए तो बढ़िया है। अच्छा, मिल जाए तो बढ़िया होगा। एक भैया खड़े हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मोदी सरकार 5 जुलाई को बजट पेश करने वाली है, गरीबों के लिए क्या हुआ है, कुछ होगा या नहीं होगा बजट में कुछ हाथ? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं हुआ है, अब 5 सालों में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं होता फिर तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मतलब 5 साल बीत गए, गरीबों के लिए आपको लगा कि कभी मोदी सरकार एक्टिव हुई? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा अभी तो कुछ नहीं। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए, हमेशा गरीबों के बारे में बातें होती है, लेकिन आप उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आप तक पहुँच पाता है नहीं पहुँच पाता? मोदी जी के स्पीच ही बेस्ट हैं, लेकिन इतना बेस्ट उनकी बात नहीं है जो जवान अपनी देते हैं गरीबों के लिए, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल राइट। मतलब प्रेरणा, भैया नाराज हैं, ऐसे कितने सारे गरीब हैं, कितने सारे लोग तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, कितने सारे लोग के पास हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन पड़ताल जमीनी लेवल पे हम इसीलिए करने आए हैं। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम बजट चकल्लस इसीलिए करने आई है कि आखिर गरीबों तक योजनाओं का और बजट में जितने वायदे किए जाते हैं उनका लाभ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। कुछ तबका नाराज है, कुछ तबका खुश है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिन तक योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, लेकिन ऐसा भी तबका है जहां योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। तो अभी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हैं उसमें गरीबों के लिए क्या तोहफा निकल कर आता है। केंद्र सरकार का कहना है आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ परिवारों को हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके सपनों का घर मिला है। क्या लगता है मोदी सरकार काम करती है? बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी सरकार से? मेरी उम्मीद क्या रहेगी, मैं तो केले बेच रहा हूँ, केले बेचूंगा और क्या है। तो आगे के कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है आपके, हमेशा केले बेचोगे? केला फ्यूचर जब कुछ आता ही नहीं है, फ्यूचर में पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। जब आपके लिए नहीं हो रहा है, आपके लिए आप केले बेच रहे हैं और केले ही बेचेंगे, तो आपको कैसे लगता है मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? तो मेरे समझ तो अच्छा काम कर रही, तभी बता रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तो कर रहा हूँ बड़े भाई, मेरे समझ से मेरा काम अच्छा मैं कर रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, मोदी सरकार अपना काम कर रही है और क्या। गरीबों के लिए कुछ कर रही है नहीं कर रही? कर तो रही, अच्छा तो कर रही है और क्या अच्छा कर रही है। हमारे साथ लस्सी वाले भैया भी हैं। लस्सी वाले भैया, क्या लगता है मोदी सरकार बजट पेश करेगी, बजट में कुछ खास आप लोग के लिए रहेगा क्या भैया? खास तो क्या रहेगा, मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल होगा मोदी सरकार के बजट में? अब देखो कुछ ना कुछ तो होगा ही, उम्मीदें हैं मोदी जी से, क्योंकि अब दुकानें उकानें कह तो रहे हैं कि यहाँ दुकानें ये ठेली पटली बंद होगी और दुकानें होंगी खराई जाएंगी। गरीबों के लिए इस बार क्या पिटारे से क्या निकलने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं? देखो जब दुकानें को जो मिल जाए तब तो सही है, अगर जो नहीं मिल रही तो फिर क्या उम्मीद है, उम्मीद तो यही है दुकानें मिल जाएंगी। क्या लगता है आपको मोदी सरकार आप लोगों का ख्याल रखेगी? गरीब को बर्बाद कर दिया जी, गरीब को बर्बाद कर दिया। क्या समस्याएं आप तो फेस कर रही हैं? कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, बच्चों सबको पालने का बहुत मुश्किल हो गई। मतलब क्या नाराजगी, अगर मान लीजिए मोदी सरकार कुछ करेगी तो बजट में क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए मोदी सरकार को? मोदी सरकार यही उम्मीद करना चाहिए हमारे के लिए, गरीबों के लिए बहुत फायदा करना चाहिए, कि हमारे बिलदारी उलदारी काम धाम सब बंद हो गयी। एक चीज मैंने ये भी देखी कि योजनाओं का लाभ हर तबके तक नहीं पहुंच पाया, पहुंच नहीं पा रहा है। योजनाएं बनती हैं लेकिन बनने के बाद भी उनको फायदा नहीं मिल पाता है, उन तक पहुंच नहीं पाती है। ये सिस्टम को ऊपर से लेके नीचे तक जो भी उसमें अपवाद है, जो उसमें जंग लगी हुई है उसको साफ करने की जरूरत है। मोदी सरकार बिल्कुल जंग जो लगा हुआ है उसको साफ करने की निहायत ही बहुत ज्यादा जरूरत है। आयुष, क्या लगता है इस बार बजट में क्या पिटारे से निकलने वाला है? मतलब गरीबों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा प्रेरणा, बिल्कुल गलत है, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सरकार को 5 साल का वक्त मिला है, और मुझे लगता है कि पहले बजट में, दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, कभी भी इसे हाथ से जाने नहीं देगी।
प्रेरणा, आज नहीं जाने देना। बिल्कुल, जो जनता ने मोदी सरकार पर विश्वास जताया था, तो इस बार क्या जो बजट पेश किया जाने वाला है तो साफ तौर पर ये मोदी जी को प्रूफ कर देना चाहिए कि जनता का फैसला एकदम सही था। गरीबों की तो बात हो गई, लेकिन हम लोग रोजाना इसी तरीके से बजट चकल्लस करने आप तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, एक एक तबके में पहुंचेंगे। आज गरीब तो कल महिला, इस तरीके से एक एक वर्ग में को क्या क्या मिलेगा, हर एक चीज की, हर एक पहलू की जमीनी पड़ताल करेंगे और हकीकत आपके सामने लाएंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि हम यानी मीडिया सरकार के लिए असल आईना है। आयुष सिन्हा के साथ प्रेरणा कौशिक, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। हम लोग इस समय बजट पर चकल्लस करने आए हैं, क्या कुछ खास होगा बजट में आपके लिए? मेरे लिए कुछ खास नहीं हुआ है। मोदी सरकार क्या कर रहे हैं वो हवा में है अभी बात। तो 5 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, उसमें गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ऐसे डेली कहता है, करता कुछ नहीं।